माय चैनल, मैं हूँ आपकी पूजा। आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे और मैं हूँ अभी रेडी। और हम लोग जा रहे हैं फाइनली अभी कुछ डिसाइड किए हैं, डिसाइड नहीं बोलूँ मैं, हम लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कुछ समथिंग गुड न्यूज़ का। तो गुड न्यूज़ देखते हैं, अगर सक्सेस होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो एज़ यूज़ुअल हम लोग के पास तो है ही, तो बता देते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। हम लोग जा रहे हैं कार देखने। हम लोग के पास ऑलरेडी कार है, बट होता है ना कि लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस करनी चाहिए, तो हम लोग भी कुछ चेंजेस करने का सोच रहे हैं। तो और मैं ऐसे झुक झुक के बात कर रही हूँ, सॉरी, तो कैमरा ले लेती हूँ हैंड पे। तो हम लोग भी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और न्यू 5 सीटर, क्योंकि बड़ा यहाँ बैंगलोर में हम लोग 3 ही फैमिली है अभी फ़िलहाल, तो छोटा कार देख रहे हैं। तो अभी न्यू लॉन्च जो हुआ है कार, वो चलते हैं अभी देखने। चलिए फिर, चलो। आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सी कार की बात कर रही हूँ। वो है गाड़ी महिंद्रा 3XO। मैं थंबनेल के लिए पिक्चर निकाल लेती हूँ तब तक। A few moments later. जाने से पहले श्रेयांश को प्ले करना था, तो आपको पता है ना, बच्चों को मना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले श्रेयांश को हैप्पी करते हैं, उसे थोड़ा सा प्ले करा देते हैं, और मैं थोड़ा सा ग्रीनरी मज़ा लेते हुए, फ्लावर्स का मज़ा लेते हुए बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि कार भी तो देखने चलना है ना। तो यू आर एक्साइटेड, तो चलते हैं। देर किस बात की, ग्रीनरी तो देख ही लिया, चलते हैं अब कार देखने। 1 hour later. तो हम लोग पहुंच चुके हैं महिंद्रा शोरूम और चलते हैं कार का रिव्यू देखते हैं और बताना कैसा लगा, क्योंकि मैं तो उतना कार के बारे में नहीं जानती, बट आप लोगों को दिखाती हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम लोग आए हैं महिंद्रा कार देखने, तो बताते हैं कौन सी कार देखने आए हैं अभी। वैसे ये रहा श्रेयांश, ये रहे हैं मिस्टर। हम लोग चलते हैं शोरूम में। बहुत क्लोज पार्क है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलते हैं, करते हैं, और कौन सी कार आज देखने आए हैं वो मैं बताती हूँ। अंदर चलते हैं। ये रहा महिंद्रा शोरूम, और चलते हैं हम लोग। आ चुका है 3XO, हाँ आ चुका है। तो हम लोग चलते हैं और कौन सी गाड़ी है रिव्यू करते हैं। वैसे नाम अभी हम लोगों ने लिया, तो हम लोग पहुंच गए हैं शोरूम में। और अगर आपको बजट फ्रेंडली कार्स देखने हैं, तो अभी न्यू लॉन्च महिंद्रा 3XO लॉन्च हुआ है, जो हम लोग देखने आए हैं। वैसे तो मुझे सच बताऊं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये मैंने बहुत सारे यूट्यूब में देखा था, तो सोचा क्यों ना हम लोग भी रिव्यू करते हैं, इसे देखते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं आगे, वीडियो को बढ़ाते हैं। और आपको ये कार कैसा लगा तो कमेंट करना, और ये इसे मुझे परचेस करना चाहिए और नहीं करना चाहिए सजेस्ट भी करना, ओके। तो जितना मुझे पता है, चलो वही बता देती हूँ, ये हैंडल मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, और इसकी स्क्रीन भी बहुत अच्छी है, क्लासी लुक लग रहा है इसका आगे, बहुत लुक वाइज मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और श्रेयांश यहाँ प्ले कर रहा है, क्योंकि वो बहुत वो कार लवर है, सीरियसली बच्चों को कार पता नहीं क्यों पसंद आते हैं, वैसे बड़ों को भी पसंद आते हैं, बट बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो ये रहा बाहर से, बाहर का लुक बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। ये क्या दिया थे?
स्टार्ट बटन भाई फिर ही गाड़ी आगे बढ़ेगा। ऑटो होल्ड पे जा रहा, बट कहाँ दिया है ऑटो होल्ड इसमें, ये मैनुअल है सर इसीलिए। बोनट देख रहे हैं, अच्छा है को बताने वाला है ये देखिए पैनोरामिक बेसिक मॉडल आई थिंक। हाँ पैनोरामिक वो पूरा पीछे तक है। नहीं इसमें ना, ये बेसिक मॉडल है तो वो होगा वो वाला फ्रंट वाला। पीछे का स्पेस चेक करते हैं, पीछे भी काफी स्पेसियस है दिख रहा है। देखो ना कितना लगेज, छोटा वाला लगेज देखो, तीन लोगों को बैठने का दिया है बट इसका पूरी थाई सपोर्ट बराबर है नहीं दिया, लेकिन ठीक है ये बराबर है, देख रहे हो बेड बन जाएगा, बराबर है ये, बैठने में कंफर्टेबल होगा। ये भी चौड़ा दिया है बोल रहा, ये बोल चौड़ा है, अच्छा चौड़ा है। ये कंफर्टेबल है पीछे का, कंफर्टेबल है बहुत। ये बीच में थोड़ा सा उठा दिया है इसको, अरे वहां लेग रखने है क्या, लेकिन एज अ बेबी हां। और फ्लैट रहने का पता है बहुत फायदा है, आराम से बैठ सकते हैं, देखो एकदम सीधा होके बैठ सीधा, और आपको पैर भी देखो ना, और जबकि आप आगे भी बहुत अच्छे से बैठे थे। हां हां कंफर्टेबल है पूरा, देख रहे हो गाड़ी ठीक है जी, वाला सही है। हां तो कम बजट में सही है, बट कुशन कुशन जो है ना तो तुमको ऐसा दे देता। हम और मिस्टर सोम बातें में इतना बिजी हो गए कि कैमरा ही रखना ठीक से भूल गए, तो चलते हैं यहाँ का बूट स्पेस देखने। यहाँ पे 6-6 स्मॉल लगेज रखा हुआ है जो अच्छा है काफ़ी, मतलब अच्छा है इसका बूट स्पेस। और आप अगर बिग लगेज रखते हो रेदर, क्योंकि फ्लाइट वगैरह से लोग बिग लगेज ही रखते हैं, तो 2 अच्छे से, 2 और एक छोटा लगेज अच्छे से इसमें जा सकता है जितना मुझे लगता है। तो मैंने पहले भी कहा ना कोई आइडिया नहीं है, मैं भी चेक कर रही हूँ फर्स्ट टाइम कि हाँ सब चीज़ सही है या नहीं। रियांश का का भी छोटा है, उससे भी छोटा है, कौन छोटा है लेकिन तभी इसके हिसाब से ये आगे जाता है। सो हम लोग तो डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग XUV 3X ले रहे हैं या नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो या कभी भी वीडियो में रिवील हो ही जाएगा। वैसे गुड न्यूज़ तो कुछ आने वाला है ये है, बट कुछ टाइम लगेगा, 1-2 months। बट अभी फ़िलहाल अभी हम लोग कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो यार सच में बाहर से बहुत ही औसम दिख रहा है, बजट फ्रेंडली है, बहुत ही औसम है। इसके अंदर की जो भी इंटीरियर है वो सारी बहुत, मुझे तो बहुत क्लासी लगी, बजट फ्रेंडली, जैसे मैंने जैसा कि बताया बजट फ्रेंडली है तो आप इसे परचेस कर सकते हो। और हम लोग ले रहे हैं या नहीं ये तो पता नहीं, अभी डिसाइड कर रहे हैं, पहले लेट्स डिसाइड, उसके बाद जैसा कि अभी भी मैं उसे टच करके फील कर रही हूँ, मुझे तो अच्छा लगा सच बता रही हूँ। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कार खरीदने में तो आप ऑफकोर्स ख़रीद सकते हो, अगर इससे भी अच्छा कुछ है तो मुझे भी ज़रूर बताना कि मैं भी अगर डिसाइड कर ही रही हूँ कार लेने का, सेकंड कार लेने का, ये हमारी सेकंड कार होगी, तो ज़रूर बताना ले या परचेस करे या नहीं करे, कमेंट ज़रूर करो। और ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, आई होप इस ब्लॉग से कुछ आप लोगों को हेल्प मिला होगा। मैं ऐसा ही आशा करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग मैं इसीलिए बना रही हूँ कि कुछ तो आप लोगों को कुछ जेन्युइन आपको मिले, क्योंकि मुझे सच बता रही हूँ आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया आप लोगों के लिए। तो अब चलते हैं घर, कार देख लिया है, क्या करेंगे क्या नहीं अभी पता नहीं, सरप्राइज़। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय टाटा।